यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं, भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है, यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। हर बच्चा इसी संदेश के साथ आता है कि भगवान अभी तक मनुष्यों से हतोत्साहित नहीं हुआ है। वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान है जिसकी कीर्ति उसकी सत्यता से अधिक प्रकाशमान नहीं है। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से ऊब जाता है, लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी रुष्ट नहीं होता। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करती है। धूल स्वयं अपमान सह लेती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। कुछ न कुछ कर बैठने को ही कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। कोई समय ऐसा भी होता है जब कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। हमारे अंतर मन में यदि प्रेम न जागृत हो तो विश्व हमारे लिए कारागार ही है। मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा और पाया कि सेवा आनंद है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को उजागर करता है, अपनी वस्तुओं को नहीं। मिट्टी के बंधन से मुक्ति, पेड़ के लिए आज़ादी नहीं है। मैं एक आशावादी होने का अपना ही संस्करण बन गया हूँ। यदि मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता तो दूसरे से जाऊंगा या एक नया दरवाजा बनाऊंगा। वर्तमान चाहे जितना भी अंधकार में हो, कुछ शानदार सामने आएगा। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करते। सौंदर्य सत्य की मुस्कराहट है, जब सत्य खुद अपना चेहरा एक उत्तम दर्पण में देखता है। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं। मन का धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। मत बोलो ये सुबह है और इसे कल के नाम के साथ खारिज मत करो। इसे एक जन्मजात बच्चे की तरह देखो जिसका अभी कोई नाम नहीं है। खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। उपदेश देना सरल है, पर समाधान बताना कठिन। समय परिवर्तन का धन है, परंतु घड़ी उसे केवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है। सबसे उत्तम बदला क्षमा करना है। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं को क्रोध अधिक आता है। आप केवल किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक उसे मनुष्यत्व का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु मानव किसी भी पशु से अधिक कमजोर है। शिक्षा छात्रों की संज्ञानात्मक अनभिज्ञता के रोग का उपचार करने वाले तकलीफदेह अस्पताल की तरह नहीं है, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य की एक क्रिया है, उनके मस्तिष्क की चेतना की एक सहज अभिव्यक्ति है। जो शांत भाव से सहन करता है वही गंभीर रूप से आहत होता है।